Assalamualaikum. In this video, we will study about passive voice of present perfect. Let's see what is the formula of perfect passive. सबसे पहले आपने लिखना है ऑब्जेक्ट और इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ और हैव. हैज़ और हैव का मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने लिखना हैज़. सपोज योर ऑब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन है सिंगुलर तो आपने वहाँ पर हैज़ लगाना है. प्लूरल के साथ आप लगाओगे हैव और यू हैव दे हैव वी हैव. देन बीन लगाएंगे आप परफेक्ट में पैसिव वॉइस के परफेक्ट में. इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और बाय के बाद आप इंटरचेंज कर देंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. ये चेंज होता है पैसिव वॉइस में. नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाओगे नॉट और इंट्रोगेटिव आपको पता है सबसे पहले लिखते हैं हैज़ हैव ऑब्जेक्ट और बीन. हमें सिर्फ ये याद रखना होता है पैसिव में क्योंकि सारे ही पैसिव में आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लगाना है. तो आप अगर इजी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो बस हेल्पिंग वर्ब को याद रखें कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इज़ एम आर है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो इज़ एम आर बीइंग है और अगर परफेक्ट है तो हैज़ और हैव बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म तो सब में लगता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क. ए बी मीन्स एक्टिव वॉइस. जब भी हम चेंज करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश तो आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा. तो आपने सबसे पहले रिकग्नाइज करना है कि ये कौन से टेंस का है. जब आपने लिखा हैज़ और हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है. ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क. अब आपने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग आप कर लिए. आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है और एक्टिव वॉइस में है तो आपने सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में आप देखें वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ड. तो आप अगर सामने फॉर्मूला लिखें और उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएं तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. उसके बाद आप की आदत हो जाएगी, आप इजीली बना लोगे. तो आपने सबसे पहले लिखा द वर्ब हैज़. फिर टर्न हैज़ और हैव की तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्ब के साथ हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई हेम. परफेक्ट में एक अच्छी बात ये होती है कि आपको एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाएगा तो आपने डायरेक्टली उसी को देख कर लिख लेना है. सेकेंड सेंटेंस इज शी हैज़ नॉट रिटन फाइव पोम्स. नेगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनेगा. तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा फाइव पोम्स. ज़्यादा पोम्स इसलिए हैव लगाया फिर नॉट और फिर बीन लगाएगा. नॉट ऐसा नहीं कि हैव बीन नॉट. नो, आपने सबसे पहले हैव नॉट फिर बीन लिखना है. रिटन आपको थर्ड फॉर्म मिली हुई आपने वहीं लिख लिया और बाय शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर. थर्ड सेंटेंस इज हैव यू फिनिश्ड द जॉब. इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा. तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब फिर इसका द जॉब क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है तो जॉब के साथ आप लगाओगे हैज़ द जॉब बिन फिनिश्ड बाय यू और आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो इंग्लिश टू इंग्लिश इज़ वेरी इजी. जस्ट आप और भी ग्रामर से लेकर या यूट्यूब और गूगल से कुछ सेंटेंसेस लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. उर्दू सेंटेंसेस के लिए अगर हम देखें तो इसकी जो आप की देखते हो किया जा चुका है किए जा चुके हैं या किया गया भी होता है पैसिव वॉइस के परफेक्ट के लिए. तो लैम्प रोशन किए जा चुके हैं. अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा है एक्टिव वॉइस है या पैसिव. एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है. तो लैम्प रोशन किसने की है पता नहीं तो सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है. आपने पहचान लिया कि ये पैसिव वॉइस है और आप टेंस पहचानो कौन सा है. ये है प्रेजेंट चुका है किया जा चुका है तो ये है परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो आप इजी हो जाएगा. आपने इसी इंग्लिश फॉर्मूले के साथ इसको रखना है. सिर्फ आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव वॉइस तो सबसे पहले टर्न होगी ऑब्जेक्ट के लिए. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है लैम्प. तो आपने लिखा लैम्प्स. द अदर लैम्प्स इज़ वी हैव बीन लिट. सेकेंड सेंटेंस देखिए वो हिरासत में नहीं लिया गया तो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के लिए आप वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं किसको किससे या क्या यानी व्हाट एंड हूम. तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है उसे यानी वो हिरासत में नहीं लिया गया तो इसके लिए आपने लगाया ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड. थर्ड सेंटेंसेस क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं. इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगा. अगर आपको डायरेक्टली नहीं बना आ रहा तो आप पहले अफर्मेटिव बना लें उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं हिज क्लॉथ्स हैव बीन टोर्न और उसको आप चेंज कर दें इंट्रोगेटिव में तो ये हो जाएगा हैव हिज क्लॉथ्स बीन टोर्न. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस से फॉर्मूला इज़ वेरी इजी. इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें और उर्दू के भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आप खुद सोचें या गूगल से भी लेके सेंटेंसेज आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी सम स्ट्रक्चर. आज के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके सेंटेंस में है वही तो यही तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेट्स व्हाट. बट ये याद रखना है आपको कि डेट्स व्हाट इज़ ओनली यूज़ फॉर द टॉपिक और इंसानों के लिए आप यूज़ करेंगे. सपोज़ यही तो मैं कह रही थी तो आपने यही तो के लिए डेट्स व्हाट लगाया और आपके आगे जो भी सेंटेंसेज है किसी भी स्ट्रक्चर में तो आपने वो लिख देना है डेट्स व्हाट आई वॉज सेइंग. वही तो वो कहना चाहती थी डैट्स वॉट शी वॉन्टेड टू से. यही बात तो उसे समझ नहीं आ रही थी डैट्स वॉट शी वॉज नॉट गेटिंग.
तो यही तो वही तो के जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड हैं तो आपने वहाँ पर डेट्स वॉट लगाया, और जो भी आपका सेंटेंस है आप उसे आपको बनाने जो भी आते हैं आप उसे बनाएं, उससे पहले डेट्स वॉट लगा दें अगर आपको यही तो और वही तो समझना है। सेकेंड इज़, अगर आप किसी यही तो और वही तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या एनिमल्स के लिए, तो फिर आप इसके लिए डेट्स विच यूज़ करोगे। सपोज़ अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, तो आपने डेट्स विच कहना है, डेट्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर या डेट्स विच आई वॉज सर्चिंग। सेकेंड सेंटेंस है, इसी को तो मैंने परसों ख़रीदा था। आपको अगर मुश्किल हो तो आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, मैंने परसों ख़रीदा था, आई बॉट डे बिफोर यस्टरडे, और इसी को और यही तो इसके लिए आपने डेट्स विच लगा दिया। थर्ड सेंटेंस, उसी को तुमने मुझे बेचा था, तो डेट्स विच यू सोल्ड मी। तो जो भी सेंटेंसेस आप किसी के साथ भी, आपको पता है कि अब मैं किसके साथ यही तो और वही तो को यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट आपको ये याद रखना है कि डैट्स वॉट और डैट्स विच कहाँ यूज़ करते हैं। डैट्स वॉट इस्तेमाल किया जाता है टॉपिक के लिए, और ज़्यादा ये इंसानों के लिए आप यूज़ करोगे, और अगर एनिमल्स से रिलेटेड बात कर रहे हो या नॉन लिविंग के लिए, तो आपने इसके लिए डैट्स विच यूज़ करना है। दोनों की उर्दू एक ही है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कब कौन सा यूज़ करते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। थैंक यू सो मच।